बिजली कर्मचारियों ने कार्यकारी अभियंता के कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ता के विजिलेंस द्वारा बिजली चोरी का केस बनाने पर नाराज होकर सस्पेंड करवाया है, जो सरासर अन्याय है। इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री अपने कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट बिजली कार्यालय के बाहर लगवा दें, ताकि उनके घरों पर बिजली चोरी ना पकड़ी जाए। इस धरने के बाद इस दो कर्मचारी सस्पेंड किए हैं। इसमें निगम मैनेजमेंट ने शुक्रवार को हमें आश्वासन दिया था कि सोमवार को 10 बजे तक आपके साथियों को बहाल करवा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, परंतु निगम मैनेजमेंट पूरा आश्वासन नहीं देती है। हम इस धरने को अनिश्चितकालीन धरना रखते हैं और आगे प्रदेश व्यापी ये धरना बन जाएगा। हम निगम मैनेजमेंट से, इस सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी समय रहते हुए हमारी मांग को मान ले, अन्यथा ये प्रदेश व्यापी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ से आजाद टीवी न्यूज के लिए विपिन यादव की रिपोर्ट।